हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल का नाम है वर्षा ब्यूटी केयर। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ फेस क्लीनअप एट होम। जी हाँ, आप घर पर ही क्लीनअप कैसे कर सकते हैं, क्योंकि आजकल की भागदौड़ वाली ज़िंदगी में किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो पार्लर में जाके ही हमेशा क्लीनअप करवाएं या फेशियल्स करवाएं। आपके पास जो भी घर में प्रोडक्ट्स हैं उससे आप इजीली मतलब बहुत ही अच्छा क्लीनअप कर सकते हैं अपने घर पर ही। कुछ भी सामान आपको इसमें बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं होगी। तो चलिए देखते हैं, और आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में जो घंटे का बटन है इसे प्रेस कर दीजिए ताकि आपको इससे मेरी आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और गाइस, जो भी प्रोडक्ट्स मैं आज यूज़ करने वाली हूँ यहाँ पर, ये काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस पर आपको मिल जाएंगे, ऑनलाइन भी आपको मिल जाएंगे। और जो भी प्रोडक्ट आज मैं यूज़ करने जा रही हूँ, इन सभी का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप एक बार ज़रूर चेक कर लीजिए। और गाइस, मैं यहाँ पर सबसे पहले यूज़ कर रही हूँ एश्योर प्यूरीफाइंग क्लिंजर प्लस टोनर, जेंटली क्लींस अवे डर्ट मेकअप एंड टोन्स स्किन विदाउट ड्राइंग। मैं क्लिंजर के लिए सबसे पहले ये वाला क्लिंजर प्लस टोनर इस्तेमाल करूँगी अपने फेस का मेकअप रिमूव करने के लिए। और सेकेंड जो मैं यहाँ पर यूज़ करूँगी ये है एवर यूथ वॉलनट स्क्रब, ये मेरा सेकंड स्टेप होगा। थर्ड स्टेप में मैं यूज़ करूँगी एश्योर फेशियल मसाज क्रीम, क्योंकि ये भी काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस पर आपको मिल जाएगी, और सभी चीज़ों का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। और नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर करूँगी एश्योर इंस्टेंट ग्लो फेस पैक का यूज़ करूँगी, क्योंकि ये सारी चीज़ें मेरे पास घर पर अवेलेबल थी, तो मैंने सोचा क्यों ना इसी से मैं अपना फेस क्लीनअप करूँ। और सबसे एंड में मैं यूज़ करूँगी अपना फेवरेट मॉइसॉफ्ट का मॉइस्चराइज़र। तो चलिए देखते हैं। और यहाँ पे मैं सबसे पहले यूज़ कर रही हूँ एश्योर प्यूरीफाइंग क्लिंजर प्लस टोनर, इससे मैं अपना सारा मेकअप रिमूव करूँगी। और ये बहुत ही अच्छा क्लिंजर और टोनर है, और ये क्लेम करता है जेंटली क्लिंजर्स अवे डर्ट मेकअप एंड टोन्स स्किन विदाउट ड्राइंग, यानी कि आपकी स्किन को ड्राई करे बिना ये बहुत अच्छे से आपका फेस का जितना भी मेकअप है उसे रिमूव करता है, और आपकी स्किन से डर्ट और इम्प्योरिटीज़ को भी रिमूव करता है। तो इससे सबसे पहले मैं अपने फेस का मेकअप रिमूव कर लूँगी। तो देखिए, इसे इस तरह से ले लीजिए। स्पॉन्ज की हेल्प से भी मेकअप काफ़ी अच्छे से रिमूव हो जाता है, ये देखिए, ये देखिए। और गाइस, अगर आपको इस क्लिंजर और टोनर का अच्छे से अगर इसकी आप चाहते हैं जो गुडनेस आपकी स्किन में आ जाए ना, तो इसके लिए एक बहुत अच्छी टिप है, ये देखिए, आपने सिर्फ इतना सा लेना है इसे, और उसके बाद 2 मिनट तक अपने फेस पर मसाज कीजिए, इससे आपकी अच्छी तरह से क्लिंजिंग हो जाएगी स्किन की। तो चलिए, आप देख सकते हैं कि मैंने अपने फेस का मेकअप रिमूव कर लिया है। और सेकंड स्टेप में यहाँ पर कर रही हूँ स्क्रब, और मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ एवर यूथ नेचुरल एडवांस स्क्रब और हाइड्रेटिंग एंड एक्सफोलिएटिंग वॉलनट एप्रिकोट स्क्रब, और ये क्लेम करता है रिमूव्स ब्लैकहेड्स एंड डेड स्किन सेल्स, मॉइस्चराइज स्किन, और आपकी स्किन को मॉइस्चराइज भी करता है, प्लस आपकी स्किन से ब्लैकहेड्स एंड व्हाइटहेड्स को भी रिमूव करता है, और आपकी डेड स्किन सेल्स को भी रिमूव करता है। तो बस आपने थोड़ा सा स्क्रब लेना है, और जैसा कि आप जानते ही हैं कि कभी भी ड्राई स्किन पर हमें स्क्रब नहीं करना चाहिए, तो मैंने अपने फेस को थोड़ा सा गीला कर लेती हूँ, देन अप्लाई करती हूँ स्क्रब। और स्क्रबिंग हमें यहाँ पर सिर्फ 2 से 3 मिनट ही करनी है। Up with it, girl. Rock with it, girl. Show them it, girl. Bada bang bang. Bounce with it, girl. Dance with it, girl. Get with it, girl. Bada bang bang. Come on, come on. Turn the radio on. तो ये देखिए, मैंने स्क्रबिंग कर ली है 2 से 3 मिनट तक, और अब मैं अपने फेस को नॉर्मल वाटर से वॉश कर लेती हूँ। और सेकंड में यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ फेशियल मसाज क्रीम, जो कि एश्योर ब्रांड की ही है, ये देखिए, और ये क्लेम करती है एनरिच्ड विद स्वीट आमंड ऑयल एंड चैपरल एक्सट्रैक्ट स्किन केयर फॉर नॉर्मल स्किन के लिए है ये, और मुझे ऐसा लगता है कि ये सभी स्किन टाइप के लिए सूट करेगी, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी फेशियल मसाज क्रीम है। तो इसे मैं सबसे पहले अपने फेस पर मसाज कर लूँगी। तो ये देखिए, मैंने मटर के दाने जितना ले लिए हैं। मसाज करने से हमारी स्किन में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, प्लस हमारी स्किन ब्राइटन बनती है और ग्लोइंग बनती है, सॉफ्ट और स्मूथ तो बनती ही है। तो प्लीज़ इस स्टेप को भी स्किप बिल्कुल मत कीजिए, और इस स्टेप को वीक में 2 से 3 बार ज़रूर ट्राई कीजिए।
और यहाँ पर गाइस जो मैं स्टेप कर रही हूँ, फेशियल स्टेप जो भी मुझे आते हैं वो मैं यूज़ कर रही हूँ। आप और आपको जो भी फेशियल स्टेप्स आते हैं आप वो कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है जैसा मैं कर रही हूँ ऐसा ही आप करें। आपको जो भी सही लगते हैं आप वो फेशियल स्टेप कर सकते हैं। आप अपने नेक एरिया पे भी मसाज जरूर कीजिए। और ये देखिए मैंने 5 से 10 मिनट तक अपने फेस पर मसाज कर ली है और अब मैं एक गीली स्पॉन्ज की हेल्प से अपने फेस को क्लीन कर लूंगी। तो मेरा यहाँ पर सेकंड स्टेप भी हो चुका है जो कि था मसाज। और नेक्स्ट मैं यहाँ पर स्टेप कर रही हूँ, यहाँ पर ये फेस पैक यूज़ कर रही हूँ और ये है एश्योर इंस्टेंट ग्लो फेस पैक एनरिच्ड विद फुलर्स अर्थ बारबेरी एक्सट्रैक्ट, क्लींस एंड प्योरीफाइज, फर्म्स, रिमूव्स टैन एंड ब्राइटेंस द स्किन। ये आपकी स्किन को ब्राइटन बनाता है और आपकी स्किन से टैनिंग को दूर करता है। साथ ही साथ मुझे इसका एक और बेनिफिट ये लगा है गाइस कि इससे मेरी स्किन पर पिंपल्स निकलने भी बंद हो गई हैं। तो चलिए थर्ड स्टेप की तरफ चलते हैं और इसे बस आपने अपने फेस पर अप्लाई कर लेना है और इसे आपने अपने फेस पर 5 से 7 मिनट रखिएगा, ये सूख जाएगा। और 5 से 10 मिनट के बाद आप अपने फेस को नॉर्मल वाटर से वॉश कर लीजिए। मैंने अपने फेस पर फेस पैक लगा लिया है। अब मैं इसे 5 से 10 मिनट तक या 7 मिनट तक अपने फेस पर रखूंगी। जब ये ड्राई हो जाए तो आप अपने फेस को नॉर्मल वाटर से वॉश कर लीजिए। तो आप देख सकते हैं कि मेरा फेस पैक पूरी तरह से ड्राई हो चुका है और अब मैं अपने फेस को नॉर्मल वाटर से वॉश कर लूंगी। और आप इसे एक गीली स्पॉन्ज की हेल्प से भी क्लीन कर सकते हैं। तो मैंने अपने फेस पैक को रिमूव कर लिया है, नॉर्मल वाटर से फेस को वॉश भी कर लिया है और मुझे मेरी स्किन पहले से भी ज़्यादा सॉफ्ट, स्मूथ, सपल लग रही है और स्किन मुझे काफ़ी पहले से भी ज़्यादा फ्रेश लग रही है। और एंड में मैं यहाँ पर एक स्टेप और करूँगी जो कि है वॉइस ऑफ का मॉइस्चराइजर। जी हाँ, मॉइस्चराइजर एंड में अप्लाई करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो ये देखिए और मॉइस्चराइजर भी हमारी स्किन में नमी बनाए रखने में बहुत हेल्प करता है, तो प्लीज़ मॉइस्चराइजर भी ज़रूर अप्लाई कीजिए। तो ये था मेरा आज का फेस क्लीनअप एट होम जो कि बहुत ही ज़्यादा इजी था। और आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरे ये क्लीनअप स्टेप कैसे लगे। और एंड में मैं गाइस आपको जाते जाते कुछ यूज़फुल टिप्स देना चाहूँगी। टिप नंबर 1 मेरा यहाँ पर है कि आप कभी भी अपना टॉवल या नैपकिन किसी के साथ शेयर मत कीजिए और ना ही किसी का यूज़ कीजिए और ना ही किसी और को अपना यूज़ करने दीजिए, क्योंकि हर एक की स्किन टाइप अलग अलग होती है, इसलिए इन चीज़ों को अलग रखिए। और सेकंड जो मेरा टिप है वो ये है कि आप ड्राई फ्रूट्स वगैरह ज़रूर खाइए, हेल्दी चीज़ें लीजिए, ग्रीन वेजिटेबल्स लीजिए, इससे आपकी स्किन हेल्दी बनेगी और ग्लोइंग भी बनेगी और आप फिट भी रहेंगे। टिप नंबर 3 मेरी यहाँ पर है कि आप ड्राई फ्रूट्स अपने मील में ज़रूर शामिल कीजिए और चाय कॉफ़ी ज़्यादा मत लीजिए। और अगर आपको चाय कॉफ़ी ज़्यादा पसंद है तो आप दिन में एक बार पी सकते हैं, अदरवाइज़ आप ग्रीन टी लीजिए, क्योंकि ग्रीन टी से आपकी स्किन भी अच्छी रहेगी और आप फिट भी रहेंगे। और नेक्स्ट जो मेरी टिप है वो ये है कि आप डेली एक्सरसाइज और योगा ज़रूर कीजिए गाइस, इससे आप फिट भी रहेंगे और आपकी स्किन भी अच्छी रहेगी। तो ये थे मेरे कुछ यूज़फुल टिप्स। आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और मेरे टिप्स भी अच्छे लगे होंगे। और नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। तो ये था मेरा आज का वीडियो, आई होप कि आपको पसंद आया होगा और आपने देखा कि कितना ईजिली आप घर पर ही क्लीनअप कर सकते हैं। घर बैठे बैठे ही आप जो भी आपके पास प्रोडक्ट अवेलेबल हो उन्हीं से आप क्लीनअप कर सकते हैं और ज़्यादा महंगे भी नहीं है प्रोडक्ट्स। तो प्लीज़ इसे एक बार ज़रूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिए। और ये था मेरा आज का वीडियो, आई होप कि आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को ढेर सारा लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में जो बेल बटन है इसे प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी इससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिल सकें। और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पर। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।